मंगलवार रात्रि को तहसील सदर के सामने कमला नेहरू वाटिका की गेट पर शिव भक्त सेवा संघ द्वारा 39वां कावड़ सेवा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मंगलवार के दिन सुंदरकांड का आयोजन किया गया। भाजपा के जिला उपाध्यक्ष संजय गर्ग ने जानकारी देते हुए बताया कि आयोजकों द्वारा पूरी कोशिश की जाती है कि जो भी कावड़ियों की आवश्यकता है उनको पूरा करने के लिए पूर्ण रूप से प्रयास करते रहते हैं। उन्होंने बताया कि कावड़ सेवा शिविर 24 घंटे खुला रहता है, जिसमें कावड़ियों के लिए चाय, नाश्ता, भोजन, चिकित्सा सेवा, शौचालय और विश्राम की व्यवस्था की जाती है। इस अवसर पर राजन अग्रवाल, प्रेम प्रकाश, रवि, सजीव, सुनील आदि का विशेष सहयोग रहा। ये कमला नेहरू वाटिका के गेट पर शिव भक्त सेवा संघ द्वारा अपना 39वें कावड़ सेवा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें आज शिव के रुद्र अवतार भगवान हनुमान जी महाराज का दिन है, मंगलवार का दिन है। इस उपलक्ष्य में यहाँ सुंदरकांड का पाठ किया जा रहा है। कावड़ सेवा शिविर के आयोजक पूर्ण रूप से प्रयासरत रहते हैं कि कावड़ियों की जो आवश्यकता है वो पूर्ण रूप से उनकी पूरी की जाए, प्रयास करते हैं और पूर्ण करते भी हैं। कावड़ सेवा शिविर में 24 घंटे कावड़ियों की सेवा का कार्य चल रहा है। यहाँ पर प्रातः से चाय, नाश्ता, भोजन रात तक चलता रहता है और कावड़ियों की चिकित्सा सेवा के लिए बढ़िया विशाल सुंदर अनुभवी चिकित्सकों द्वारा चिकित्सा की जाती है। खाने की अच्छी व्यवस्था है, शौचालय की अच्छी व्यवस्था है, विश्राम की अच्छी व्यवस्था है, पंखे इत्यादि लगाकर टीन सेट का पंडाल बनाकर कावड़ियों को सेवा दी जा रही है। यहाँ पर अपने कार्यकर्ता राजन अग्रवाल जी, प्रेम प्रकाश जी, सलभ जी, रवि जी, संजीव जी, सुनील जी, सभी कार्यकर्ता तन्मयता के साथ 24 घंटे कावड़ियों की सेवा में लगे हुए हैं, निरंतर सेवा में लगे हुए हैं। हमारे चिकित्सकों का हम धन्यवाद करना चाहेंगे, वो 24 घंटे यहाँ पर रहकर कावड़ियों के जो भी दुख दर्द है, जो भी उनके शरीर में पीड़ा है उनको दूर कर रहे हैं। ये कावड़ कैंप अभी 8 तारीख को इसका शुभारंभ किया था, लेकिन 1983 से हम लगाते आ रहे हैं। 39वां कावड़ सेवा शिविर है और इस बार जो है अपना जो है 8 तारीख से प्रारंभ होकर 14 तारीख तक यहाँ भोलों की सेवा की जाए।